हेलो दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अल्काज़ार के बारे में आज बात करेंगे, जो कि क्रेटा का 7 सीटर वर्जन जिसको बोला जा रहा था। तो उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, कंपनी ने भी रिवील कर दी है गाड़ी, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या खासियतें हैं। 6 ऐसे मेन टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, जो उसको गाड़ी को अलग बनाती हैं, वो जो चीज़ वो गाड़ी वो है या क्या खासियत है उस गाड़ी की, वो बात करेंगे आज दोस्तों। 6 टॉपिक्स लेके 6 चीज़ें जो मेन हमारे सामने आई हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अल्काज़ार नाम डिफरेंट है क्रेटा से, 5 सीटर वर्जन क्रेटा, 7 सीटर वर्जन अल्काज़ार। पहली जो इसकी खासियत है वो है इसकी कि ना केवल ये 7 सीटर आएगी बल्कि 6 सीटर की ऑप्शन के साथ भी आएगी, यानी कि 3 रोज तो होंगी इसके अंदर, लेकिन सेकंड रो के अंदर ऑप्शन होगी कि हम या तो कैप्टन सीट्स ले सकते हैं, जो कि आरामदायक सीटें होती हैं, और बीच में स्पेस होगी निकलने की पिछली रो तक जाने की, और उसके साथ ही हैंड रेस्ट रखने की जगह और बीच में स्टोरेज, खूबसूरत सा डिज़ाइन उसका बना के हमारे सामने पेश किया गया है। दूसरी तरफ होगा इसके बेंच सीट होगी, पहली में 2, दूसरी रो में 3 पर्सन बैठ सकेगी, जो कि बेंच सीट है। फिर पीछे जंप स्पीड सीट्स को शिफ्ट करके पीछे 2 सीट्स और डाल दी जाएंगी, यानी कि टोटल 7 सीटर कार वो बन जाएगी। अगर कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो 7 सीटर कार भी होगी उसके अंदर भी उतरना और चढ़ना थर्ड रो सीट को ऑक्यूपेंट करने के लिए वो काफ़ी आरामदायक होगा, काफ़ी सुविधाजनक होगा। तो ये तो दोस्तों प्रैक्टिकली जब गाड़ी हमारे सामने आएगी तब ही पता लगेगा। दूसरी खासियत की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, क्रेटा जैसे ही सेम प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है गाड़ी है, हमें पता है ये, लेकिन इसका व्हील बेस काफ़ी बढ़ा दिया गया है। अब आगे जाके बात करेंगे इसके व्हील बेस के बारे में भी। उसके अंदर ये 3 रोज की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं, जो कि काबिले तारीफ़ सी चीज़ लग रही है मेरे को अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं देख के। तो प्लेटफॉर्म वही बढ़ता गया, व्हील बेस बढ़ा दिया गया है। तीसरी बात है दोस्तों, जो ये अब व्हील बेस के अंदर ही आ गई तीसरी बात, कि ना सिर्फ क्रेटा के मुकाबले में व्हील बेस बढ़ाया गया 150 mm, यानी कि 150 mm का व्हील बेस बढ़ाया गया है, बल्कि ये 150 mm बढ़ के 2760 हो गया है, जो कि ना सिर्फ क्रेटा से बड़ा, MG हेक्टर प्लस और टाटा सफारी जैसी गाड़ियों से भी बड़ा व्हील बेस हो गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि इंटीरियर के अंदर लेग रूम को और नी रूम और उसके साथ ही बूट स्पेस को भी बढ़ाने की काफ़ी अच्छी कोशिशें की गई हैं। अब ये चीज़ को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि इसका व्हील बेस सबसे बड़ा है, तो ये चीज़ इसकी खासियत भी होनी चाहिए। और अगर इन चीज़ों को कहा जाए कि इसके अंदर थर्ड रो की ऑक्यूपेंट, जो पहले जो गाड़ियां आती हैं, जो परंपरागत गाड़ियां इस साइज़ की आती हैं 7 सीटर, उनके अंदर पीछे थर्ड रो में बैठने की जगह प्रॉपर नहीं होती, तो इसके अंदर व्हील बेस को बढ़ा के थोड़ी सी लेग रूम बढ़ाने की जरूर कोशिश की गई होगी। चौथी जो दोस्तों इसकी खासियत लेके चलना चाहता हूँ मैं, जो दिखाना चाहता हूँ वो है क्रेटा से थोड़ी डिफरेंट इसकी अपील, यानी कि रोड प्रेजेंस इसको हम बोल सकते हैं। इसमें डायमंड स्टाइल के आगे क्रोम के अंदर इस्तेमाल ग्रिल के अंदर किया गया, हालांकि बेसिकली ग्रिल सेम है, थोड़ा उसका चेंज किया गया है। उसके अलावा इसके बम्पर में कुछ थोड़े बहुत ही चेंजेस उसमें भी किए गए हैं, जो कि देखने में थोड़ा अलग फील कराएंगे क्रेटा से। नई फ्रंट की ग्रिल भी हमारे सामने आएगी, नए अलॉयज हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं, जो कि हम कार को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़े डिफरेंट नज़र आ रहे हैं ज़रूर। क्वार्टर ग्लास जो है पिछला, उसको भी थोड़ा बढ़ाया गया और उसका रीडिज़ाइन किया गया है। उसके बाद अगर टेल पे आए तो टेल गेट के ऊपर भी काफ़ी काम किया, रीवर्क किया गया उसके अंदर, और उसके बाद इसकी जो टेल लाइट्स हैं उसके अंदर भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं, यानी कि देखने में गाड़ी लंबी और बोर ना लगे देखने में, रोड प्रेजेंस थोड़ी अच्छी अपीलिंग लगे इसकी, तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखा गया। डुअल फॉक्स एग्जॉस्ट की भी सुविधा दी गई इसके अंदर, देखने में थोड़ी सी और MPV को SUV टाइप लुक देने की कोशिश इसमें जरूर की गई है। अगली दोस्तों मैं बात करूँ, अगर पांचवी बात करूँ तो पांचवी जो खासियत है इसके इंटीरियर्स के अंदर है, काफ़ी सारे नए बदलाव इसके अंदर किए गए हैं। मोर और लेस गाड़ी का इंटीरियर के डिज़ाइन तो वही रखा गया है, लेकिन काफ़ी चेंजेस करके अलग भी पेश करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सुविधा के साथ साथ ब्लू लिंक, जो इनकी परंपरागत कनेक्टेड कार की टेक्नोलॉजी है, वो भी इसमें यूज़ की गई है, जिसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर शामिल हो गए हैं। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर 360 डिग्री पार्किंग एजिस्ट कैमरा, जो कि
वेलकम चीज़ है इस गाड़ी के अंदर आना, बहुत बढ़िया चीज़ है। वेंटिलेटेड सीट्स हैं, और उसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर 7 इंच की ड्राइवर इन्फॉर्मेशन की जो स्क्रीन है वो काफ़ी फंकी और काफ़ी सारे फीचर्स, नए नए ग्राफिक्स लेके हमारे सामने आई है, जो कि ठीक ठाक से लगते हैं देखने में। उतना बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स होना भी प्रीमियमनेस की निशानी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें अगर देखें तो इंटीरियर में थोड़ी सी अलग दिखाने की कोशिश की गई है। मोर और लेस टू टोन का जो इंटीरियर है वो अच्छा लग रहा है देखने में, और थर्ड रो को ऑक्यूपेंट करने के लिए जो व्हील बेस बढ़ाया गया है उसकी इंटीरियर में भी काफ़ी खुली स्पेस देखने को मिल जाती है। अगली दोस्तों अगर मैं बात करूँ जो है छठी बात, वो है इसके इंजन्स के बारे में। अब इंजन्स कौन से यूज़ किए गए हैं इसमें? इंजन दोस्तों एक यूज़ किया गया ट्यूशो का, वो जो कि पेट्रोल के इंजन था। बाकी जो डीजल इंजन यूज़ किया गया वो वही है जो कि क्रेटा के अंदर आता है। यानी कि जो इंजन पेट्रोल और डीजल के क्रेटा के अंदर आते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन को उठाया गया है, पेट्रोल इंजन ट्यूशन को उठाया गया है ताकि पावर पिकअप की कमी महसूस ना हो। 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि 159 bhp की पावर 192 rm की टॉर्क के साथ जनरेट करता है। वहीं पे अगर डीजल इंजन की बात करूँ तो 1.5 लीटर का, जैसे कि हमें पता है क्रेटा के अंदर डीजल इंजन आता है 4 सिलेंडर वाला, वो 115 bhp पावर 250 rm की टॉर्क के साथ जनरेट करता है। तो ये दोनों इंजन दोस्तों 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ हमें मिलेंगे। तो इसके अंदर 4 तरह की ऑप्शंस एक तरीके से कह सकते हैं हम हो गई हैं, पेट्रोल और डीजल 2 ऑप्शंस ये हो गई, और दोनों के अंदर ऑटोमेटिक 2 ऑप्शंस वो हो गई। टोटल 4 ऑप्शंस इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगी। अब इसके अंदर जो पैनारोमिक सनरूफ है या कई सारी और खासियतें हैं, वो नए तरह के गैजेट्स को हमारे सामने लाना हुंडई की शुरू से ही खासियत रही है। फीचर्स के मामले में कभी पीछे नहीं होती इनकी कारें। और दोस्तों अगर मैं कीमतों की अगर बात करूँ तो जाहिर सी बात है थोड़ी प्रीमियम रखी जाएगी क्रेटा से, तो 12-12.5 और 13 लाख के बीच में, यानी 12-13 लाख के बीच में इसकी कीमतें शुरू होने की, एक्स शोरूम कीमतें जो शुरुआती इंट्रोडक्टिव कीमतें जो हो सकती हैं इसकी। और लॉन्च की बात अगर कहें तो अगले कुछ हफ्तों में ये लॉन्च भी हो जानी चाहिए। मुकाबला इसका MG हेक्टर और टाटा सफारी के साथ होना चाहिए, जो 7 सीटर कार्स के अंदर अभी अच्छा मुकाम बनाया है। टाटा सफारी भी अच्छी सेल हो रही है। तो बताइए दोस्तों ये गाड़ी आपको कैसी लगी, इसके फीचर्स, इसके इंजन्स आपको लुभाए कि नहीं लुभाए आपको, तो बताइएगा कमेंट्स के नीचे, मेरे को बिल्कुल इंतज़ार रहेगा। carmirror@gmail.com पे कोई भी सवाल आप अपने पूछ सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही लॉन्च होती है सारी डिटेल वाइज आपको, वेरिएंट वाइज आपके फीचर्स, जो भी इसके प्राइसेस हैं वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएँ, सेफ रहे हो तंदुरुस्त। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।